उत्तर भारत के पश्चिमी चंपारण जिला प्राकृतिक आपदाओं का हमेशा ही केंद्र रहा है। कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि तो किसी वर्ष बाढ़, जिस आपदा से इस जिले के किसान प्रति वर्ष प्रभावित होते रहते हैं। दिनांक 12/8/2017 की भीषण बाढ़ ने गवनाहा प्रखंड क्षेत्र के किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गया और किसान अपनी किस्मत मानकर मौन थे। इन किसानों को मालूम भी नहीं था कि ऐसे आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल का रकबा के हिसाब से भारत सरकार मुआवजा तय किया है। पहले से कि क्षतिपूर्ति हो रहे तो मतलब क्षति हो रहे हैं। कितना कितना क्षेत्र में क्षति हो रहा है? जैसे कि हमारे तो क्षति बहुत हो रहा है कि लमसम मैंने कि 24 कट्ठा कुछ हो। पहले तो मैंने कहा चाहिए जो हमने किए जब से मैंने नदी के पानी क्षति के लग तो बड़ी बुरा हाल हो हमने धान किसान हमने बर्बाद हो गए। आप लोग फिर रही सिमरी डुमरी से संजू देवी इंक्वायरी कैल तो उमे माने जो हमने के गांव नगर के 60-70 आदमी के जाके खेत में चेक करवे के लग तो फसल के जैसे कल मुआवजा दें तुम्हें भी मुआवजा हमने के मिल देखिए। आवेदन जब पड़ा था तो हम गए थे वहाँ पर जांच करने के लिए, तो सभी खेतों में लगभग वहाँ पर 7-8 दिन हम वहाँ पर गए थे। जियो टैगिंग से सभी खेतों का हमने फोटोग्राफी लिया, जो नुकसान हुआ था उसको फोटोग्राफी करके हमने भेजा जिला के वेबसाइट पर। उसके बाद से सूची को बना करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने दिया जी। फिर उन्होंने उस सूची को बैंक भेजे और किसान के खाते में पैसा चला गया। कितना रो पैसा मिला? 54,000 रो साथ कितना आदमी के मिला? 3-4 गांव के। मैं अपने समुदाय के मध्य के साथ बाढ़ प्रभावित किसानों को उनके बर्बाद हुए फसल का मुआवजा दिलाने में सक्षम थे, जिसके लिए ग्राम हरकटवा के किसानों की समस्या पर वीडियो बनाने के बाद किसान सलाहकार श्री जितेंद्र प्रसाद से बात की और आवेदन फॉर्म लेकर किसानों को उपलब्ध कराते हुए बैठक कर सभी किसानों की फॉर्म फिलअप किया और कृषि कार्यालय तक पहुँचाई। उसके बाद किसान सलाहकार के साथ खेतों में जाकर जांच पड़ताल कराई, तब प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर कई बार दबाव बनाते हुए किसानों को उनके खाते में मुआवजा राशि भेजाने में सफल हुई। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।